नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि नींबू की खेती कैसे करें। तो नींबू की खेती है जो बहुत ही फायदेमंद होती है और ये बारहमासी डिमांड रहती है बहुत ही ज़्यादा नींबू की। तो नींबू का जो पौधा है, कई प्रकार के पौधे होते हैं, लेकिन आप देसी पौधे से भी लाखों रुपये की इनकम सालाना कर सकते हो, क्योंकि साल में दो बार फल देता है नींबू का पौधा भी। तो देसी पौधा भी 3 से 4 साल में फल देने लग जाता है। तो बताएंगे हम किस प्रकार से आपको पौधा तैयार करना है बीज से ही। तो आप इसका या तो फरवरी मार्च में बीज डाल सकते हो या मई जून में। आप इसका देसी पौधे से ही, यानी जो नींबू होते हैं अपने, उनमें से बीज निकाल के पौधे तैयार कर सकते हो। जिस प्रकार से देखिएगा, हमने इसका बीज से पौधे तैयार किए हैं इस प्रकार से। इसके बाद में आप जुलाई अगस्त में पौधा लगा दें, पहले ही खड्डा खोद के तैयार रखें मई जून में। और जैसे ही जुलाई अगस्त में बरसात आती है उस समय पौधा रोपण कर दें। 3 से 4 साल में आपको फल देना लग जाएगा और साल में 2 बार फल देंगे। और इसके नींबू के आपको पता है कि 6-12 महीने डिमांड रहती है, तो साल में 2 बार फल देता है देसी पौधा भी, और बहुत ही अच्छे नींबू लगते हैं। देखिए देसी पौधा है, बहुत सारे फूल आ रहे हैं अभी, इसमें नींबू आ चुके हैं। और नींबू की डिमांड आप जानते हो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। हर साल इसका भाव 100 से 200 रुपये किलो कम से कम रहता ही है। और इसके पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो हम कम से कम 12 फीट एक पौधे से पौधे की दूरी रखें, और लाइन से लाइन भी लगभग 15 फीट की दूरी रखें, ताकि 3 से 4 साल तक आप दूसरी फसल भी साथ में कर सकते हो, गेहूं, सरसों वगैरह जो भी फसल है। लेकिन ज़्यादा बड़ी फसल नहीं बोए, ताकि पौधे के ऊपर छाया नहीं पड़े ज़्यादा। तो गेहूँ चने वगैरह आप कर सकते हो साथ में। तो दोस्तों बहुत ही फायदेमंद वाली फसल है नींबू की, और एक बीघा में ये 100 पौधे के लगभग आप लगा सकते हो नींबू के। इसमें आराम से तीसरे चौथे साल में, तीसरे साल में फल देने लग जाएगा वैसे, लेकिन चौथे साल तक पौधा भी अच्छा ग्रोथ कर जाएगा आपका। तो ज़्यादा फैल जाए तो उसकी आपको कटिंग भी करनी है, उस कटिंग का भी ध्यान रखना है आपको। और जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपकी फ्रूटिंग भी हर साल बढ़ती जाएगी। तो बहुत ही डिमांडेबल फसल है ये। तो इस प्रकार से आप नींबू का पौधा, यदि आप खुद तैयार नहीं कर सकते, अपने पास की सरकारी नर्सरी से भी पौधा ले सकते हो, वहाँ आपको बहुत ही सस्ता पौधा मिल जाएगा। इस प्रकार से आप वहाँ से पौधा खरीदें तो आपको ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा। और वहीं से जुलाई अगस्त में आप 1.5 से 2 फीट का पौधा भी आप पौधा रोपण कर देगा, तो तीसरे साल में आपके फलाना लग जाएगा और चौथे साल में आपको अच्छी इनकम देना चालू कर देगा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।